मिलाओ ना, राजा भैया को भी मिट्टी में मिला दो। लेकिन मोदी जी एनकाउंटर नहीं हो जाए, उनको उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। मेन चीज देखिए ये है, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए माफिया पे आप नकेल कस रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया, उनके खिलाफ 47 केस हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके खिलाफ 28 केस हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अच्छी बात है, आपको आपको माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपको गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ करिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की ने। योगी कहते कि राम राज में हम लोग खुशहाली लाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो फिर इसमें दिक्कत क्या होती है? सब सबको मिलाओ ना, राजा भैया को भी मिट्टी में मिला दो। लेकिन मोदी जी राजा भैया का भी एनकाउंटर हो जाए, एनकाउंटर नहीं हो जाए, उनको उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सबसे बड़ी बात, योगी जी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो गरीब मुसलमानों और गरीब मुसलमान स्त्रियों के बारे में जो इस तरीके के घटिया स्त्री विरोधी मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो सबसे पहले कार्रवाई उन्हें अपने खिलाफ भी करनी चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। अडानी जी ने जो घोटाला किया, जिस घोटाले की तफ्तीश करने से भी केजरीवाल सरकार भाग रही है, क्यों भाग रही है? लेकिन बीजेपी मोदी सरकार, सॉरी मैंने सारे मोदी को बदनाम करने की राजनीति है। तो आप जांच होने दो ना, जांच में तो साफ हो ही जाएगा। अगर ये बदनाम, जैसे बदनाम कैसे, मोदी जी कैसे बदनाम हो रहे हैं? मोदी जी मानते हैं कि उनका अडानी से कोई लिंक है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मोदी जी अभी तो अडानी के बारे में बात हो रही है ना, अब ये अलग बात है कि मोदी जी जो हैं वो अडानी के हवाई जहाज में यात्रा करते हुए बरामद होते हैं, क्यों होते हैं? या अडानी मोदी के साथ यात्रा करते हुए बरामद होते हैं, क्यों होते हैं? अडानी के घोटाले के बारे में हम बता भी नहीं सकते कि कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि कोई जांच ही नहीं हो रही है। और जो मीडिया, अब एनडीटीवी तक अडानी ने खरीद लिया, तो एनडीटीवी हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तक नहीं इस पर आवाज उठा रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और आप असली मुद्दों को ना पहचानो तो सांप्रदायिकता का जहर फैला के कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षा, कभी बीफ बैन, कभी लैंड जिहाद। सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो बीजेपी कर रही है। गजब बेइज्जती है। कैसे? बीजेपी ने अभी गरीब किसानों की जमीन लेकर अपने आलीशान दफ्तर हर जिले में खोले हैं, ये लैंड जिहाद नहीं है? इसके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो तुम्हारा दुश्मन वो मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन वो दलित है, तुम्हारा दुश्मन वो फलाना गरीब आदमी है, तो आप नकली दुश्मन खड़ा करते हो। और फासीवाद यही करता है, नकली दुश्मन खड़ा करता है ताकि असली दुश्मन की पहचान ही नहीं हो सके। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता।